आमे बर्तमान पहुँचीचु कटक जिला बांकी बदेश्वर थाना सम्मुखें आप सीधा सब चित्र देखिपे ये बांकी बीजेपुर जो युव कार्यकर्ता अच्छा आज थाना घेर को बदेश्वर थाना तो सीधा सब चित्र देखिपे ये बीजेपुर जो युव कार्यकर्ता अच्छा प्रताप जेना इस्तफा दाबी इस्तफा दाबी एवं धारण में बस तुरंत गिरफ्त करने दाबी रखुचार नवीन सरकार जो प्रकार गुंडाराज चलेची एवं राजनैतिक हत्या आरंभ कले पश्चिमबंगे ममता बनर्जी जमी बीजेपी कर्मी मानू शहे देढ़श लोक मारा वर्तमान नवीन सरकार से ही प्रथाटा को आपणिले आपणकर देखु महांगार पूर्वतन अध्यक्ष बीजेपी कुलमणि बराल जो प्रधानमंत्री आवास योजन जो दुर्नीति करते से दुर्नीति बाबद से जो स्वर उठेले स्वर उठेले से परिप्रेक्षी विभत्स भाव हत्या करागला तांकु जो हत्या करागला वर्तमान सुधा से आईन मंत्री प्रताप जेना संपृक्त अच्छा एक कथा एफआईआर भी दि जाइए किंतु आज पर्यंत हत्याकांड हबार एत दिन पर्यंत वर्तमान सुधा तांकु बहिष्कार करा जाऊ नहीं सरकार तांकु पेटे की रखिंट तेणु आईन ता बाटर जापना लोक न्याय पाई पार ना भारत जनता पार्टी जो भारत बर्ष विश्व दल एक कहला भाई अतिक्त हो किंतु जो भाई विजु जनता दल दिनक दिन गुंडारा चलेचे निर्मम भाव बीजेपी कर्मी मान हत्या करुचे और अन्य दल कर्मी मान हत्या करुचे किंतु तहार मंत्री मान घंट घोड़ाई यह केस को जबे देवाई जो प्रयास करजेपी चुप बसवन किंतु यार जवाब दब जदि कौन भी सेमती पड़े परिस्थिति पड़े बीजेपी यही जिनस ही आपड़ा पशेबा ना वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवक चालक आम सहित आलोचना करते बीजेपी जो कार्यकर्ता अच्छा वरिष्ठ कार्यकर्ता अच्छा मंडल सभापति अच्छा समस्त गोटे अभियोग होता यथाशीघ्र मंत्री प्रताप जेना इस्तफा एवं महांगर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी अच्छा कुलमणि बराल और सहज जो मैंने हत्या संपृक्त अच्छा समस्त तुरंत कार्यानुषान ग्रहण करा दरकार से तुरंत गिरफ्त करा दरकार जदि आगामी दिन में यह सरकार कड़ा पदक्षेप न नि पुलिस प्रशासन कड़ा पदक्षेप न निए तेबे बीजेपी आगामी दिन में आंदोलन तार जोर कर प्रतिक्रिया रखुते कटक जिला बांकी बदेश्वर थाना सम्मुखर कानुचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।